इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Shopify क्या है, Shopify को आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे आप Shopify ड्रॉपशिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो या फिर Shopify का बिजनेस शुरू कर सकते हो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, सारी चीजें बताएंगे इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और हो सकता है ये वीडियो अपने टाइम से थोड़ा सा लेट हो जाए क्योंकि कुछ दिक्कतें आ गई हैं जिसकी वजह से ये वीडियो लेट हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात आती है कि Shopify है क्या। देखो, Shopify एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि वहां पर आप अपना स्टोर क्रिएट कर पाओ। स्टोर का मतलब आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर पाओ जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाओगे ऑनलाइन। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको कहाँ सेल करना है। आप इंडिया में सेल कर सकते हो, आप इंडिया से बैठकर बाहर सेल कर सकते हो, तो कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आपको वहाँ पर एक वेबसाइट बनाने का मौका मिलता है कि भाई आप वहाँ पर वेबसाइट बनाओ और वेबसाइट बना करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है कि भाई अगर वेबसाइट ही बनानी है तो हम विक्स से बना लें या हम किसी और प्लेटफॉर्म से बना लें और उसके बाद सेल करें, हम Shopify को पैसा क्यों दें $29 पर मंथ का। ठीक है, तो उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे आगे। तो Shopify का सिंपल सा काम आपको समझ में आ गया होगा कि Shopify आपको अलाउ करता है कि आप अपना एक स्टोर, अपना एक ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट कर पाओ जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाओगे। ठीक है, Shopify पे आप ड्रॉपशिपिंग, ई कॉमर्स दोनों बिजनेस कर सकते हो। ड्रॉपशिपिंग क्या होती है, ड्रॉपशिपिंग को पहले एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि अब ये आप कैसे इस पे काम कर सकते हो। देखो, ड्रॉपशिपिंग क्या होती है कि भाई जैसे मान लो कि मैं एक सप्लायर हूँ, मैं शूज़ का सप्लायर हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं जिसको मैं बेचना चाहता हूँ और आप आए, आपने कहा कि मैं आपके शूज़ को बेचूंगा और आपका जितना रेट है, जैसे मान लो मेरे पास एक शूज़ है, इस शूज का रेट 300 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये मान लेते हैं, 200 रुपये, और मैंने आपको कहा कि ये 200 रुपये का है और आपने क्या किया, आपने इस शूज़ को अपनी वेबसाइट पर रखा। ठीक है, जो आपने Shopify से बनाई है और उस पर रेट रख दिया आपने उसका 500 रुपये। जब लोगों ने उसको खरीदा, लोगों से आपने 500 लिया और मेरे को 200 दे दिया, तो आपके पास प्रॉफिट बचा 300 रुपये। ठीक है, यानी कि सप्लायर से आप एक शूज़ लेते हो, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको सप्लायर को पैसे नहीं देने हैं। सप्लायर को पैसे तब देने हैं जब ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब आपको ऑर्डर मिल जाएगा तभी आपको मुझे पैसे देने हैं, और वो भी नहीं, अगर कैश ऑन डिलीवरी आता है तो आप मुझे केवल ऑर्डर दोगे कि भाई यहाँ पर ऑर्डर आया, और मैं क्या करूँगा, उस शूज़ को उस बंदे तक पहुँचा दूंगा और जो 300 रुपये जो आपका है क्योंकि आपने उस सेल को लाया है, मेरा तो 200 था, तो मैं 300 आपको दे दूंगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस। तो अब यही काम आप Shopify पे कैसे करते हो, आपके पास प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे। अब आपने अगर वेबसाइट बना ली, अपनी वेबसाइट बनाने के बाद आपको चाहिए होंगे सप्लायर्स। अब सप्लायर्स आप कैसे खोजोगे, देखो बहुत सारे सप्लायर्स हैं, जैसे ग्लोरोड हो गया, Shop 101 हो गया, मीशो हो गया, ये सारे सप्लायर्स हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सेल करना है। ठीक है, तो लेट सपोज कि ग्लोरोड आप Shopify से इंटीग्रेट कर सकते हो, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। इंटीग्रेट का मतलब कि आप डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर पहुँचा सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने ग्लोरोड से कोई प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट को आपने अपनी वेबसाइट पर रख दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी मार्केटिंग की, लोग वहाँ पर आए, लोगों ने उस प्रोडक्ट को देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसको खरीद लिया। अब आप क्या करोगे, आप ग्लोरोड पे ही वही ऑर्डर प्लेस कर दोगे। तो ग्लोरोड वाले क्या करेंगे, ग्लोरोड वाले उस कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचाएंगे, उनसे पैसे लेंगे और उसके बाद जितना आपका मार्जिन होगा वो ला करके आपको दे देंगे। सेम काम, यही काम Shopify आपको करने में मदद करता है, यानी कि आपकी वेबसाइट जो रहेगी उस पर Shopify उस प्रोडक्ट को होल्ड करेगा, और यही काम होता है, इसी को हम कहते हैं Shopify ड्रॉपशिपिंग। बात आती है कि भाई हम यहाँ पर बेच क्या सकते हैं। ठीक है, देखो बेचने के लिए आप कुछ भी बेच सकते हो, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप ये चीज़ें नहीं सेल कर सकते। जो चीज़ आपको पसंद आती है, आप हो सकता है आप शूज़ बेचना चाहो, हो सकता है आप टी शर्ट या शर्ट्स बेचना चाहो, हो सकता है आप हुडीज़ बेचना चाहो, जो चीज़ आप सेल करना चाहते हो वो चीज़ आप सेल कर सकते हो। ये जो सप्लायर्स हैं जैसे Shop 101, मीशो, ग्लोरोड, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप वहाँ पर जाओ, वहाँ से आपको जो प्रोडक्ट पसंद आता है वो प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करो, वहाँ से उसके बाद आप उन पर मार्केटिंग करो, लोग आएंगे उस प्रोडक्ट को देखेंगे, उनको पसंद आएगा, उसको खरीदेंगे, और उसके बाद जो Shop 101 है, मीशो जो भी है, वो आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाएगा और आपको आपका मार्जिन लाकर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा काम ये है, Shopify आपको इसमें मदद करेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब बात आती है कि हम Shopify का इस्तेमाल क्यों करें, हम दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे विक्स हो गया, इन सब चीज़ों पर वेबसाइट बना सकते हैं सस्ते में और उसके बाद उन पर हम सेलिंग शुरू कर सकते हैं। तो देखो Shopify में क्या होता है, Shopify में आपको स्टैट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि उनकी वजह से, जो आपको स्टैट्स दिए जाते हैं उनकी वजह से आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको Shopify में पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पर करेंटली कितने विजिटर हैं। दूसरी चीज़, आप ये भी जान सकते हो कि आप विजिटर्स क्या कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है। ठीक है, तीसरी चीज़, कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा है और कितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया था लेकिन प्रोडक्ट को खरीदा नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। अगर आपको पता चले कि मैंने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया लेकिन मैंने उसको खरीदा नहीं और आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो कि सर आपने ये प्रोडक्ट लिया नहीं, हो
हो सकता है जो अबैंडन्ड कार्ड होते हैं उससे आपके पास सेल आ जाए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कहाँ से आ रहा है। तो अगर मान लो इंस्टाग्राम से आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करोगे, अगर फेसबुक से आ रहा है तो आप फेसबुक मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। यानी कि शॉपिफाई आपको प्रोवाइड करेगा टोटल वैल्यू कि आपका जो सेलिंग प्रोसेस है, जो कन्वर्जन रेट है, वो इंक्रीज होता रहे, प्लस आपकी वेबसाइट के बारे में सब कुछ बताएगा। तो जो स्टैट्स आपको शॉपिफाई पे मिलेंगे, ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जो स्टैट्स आपको शॉपिफाई पे मिलेंगे वो आपको किसी और जगह पर नहीं मिल सकते, ठीक है। और शॉपिफाई काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो शॉपिफाई किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा अलग है, जो विक्स हो गया या बाकी जो चीज़ें वो वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई मेनली इसी काम के लिए, ड्रॉपशिपिंग, ई कॉमर्स के लिए। तो उन्होंने अपना पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो उसी के लिए क्रिएट किया है। तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर नहीं, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको डेटा बहुत ज़्यादा मिलता है शॉपिफाई पे, ठीक है। तो इसीलिए शॉपिफाई दूसरे चीज़ किसी ऐप से काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद शॉपिफाई पे आपको बहुत हज़ारों एप्लीकेशंस मिलते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हो, जिनकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो पाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन आता है, तो वो भी आप कर सकते हो बहुत आसानी से। अलग अलग इंटीग्रेशन आपको मिलेंगे शॉपिफाई पे, यानी कि जो हज़ारों ऐप है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री ऐप्स भी हैं, पेड ऐप्स भी हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल्स आपको बैकएंड में मिलती रहती है कि आपके प्रोडक्ट्स के साथ क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर मिलेगा डेटा, जो कि किसी और वेबसाइट पर नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए आपको शॉपिफाई को मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर, कि आप वहाँ पर जाकर वेबसाइट बना लो और काम करो, ठीक है। अब बात आती है कि चलो भाई हमने वेबसाइट ही बना ली, हमने सप्लायर खोज लिया, अगर सप्लायर खोजने में दिक्कत हो तो चैनल पर वीडियो होगी, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि अभी तक वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि भाई अब हमने मान लो कि वेबसाइट बना ली, वेबसाइट में प्रोडक्ट ऐड कर लिया, अब हम अपनी वेबसाइट को ग्रो कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, या तो आप एड्स चलाओगे या फिर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करोगे। एड्स चलाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप एड्स फेसबुक बिजनेस मैनेजर से एड्स चलाओगे अपने, ठीक है। आपने एड चलाए, एड चलाने के बाद क्या होगा, आप मार्केटिंग, बेसिकली आप फेसबुक से मार्केटिंग करोगे अपनी, फेसबुक से आप एड चलाओगे, एड चलाने के बाद जो ट्रैफिक होगा वो आपके पेज पर आएगा, आपकी वेबसाइट पर, आपके लैंडिंग पेज पर आएगा, और उसके बाद अगर उनको पसंद आता है तो वो चीज़ वो खरीद लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि आप फेसबुक ऐड चलाओ, ठीक है, फेसबुक ऐड से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आ जाएंगी, नहीं तो आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारे लोगों की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहली चीज़ कि आपको ग्रो करना है तो आप फेसबुक से एड्स चला सकते हो, दूसरी चीज़ आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, अपना सोशल मीडिया पेज क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद उसको आप ग्रो कर सकते हो ताकि वो आपके लिए ट्रैफिक लेके आए, ट्रैफिक का मतलब आपके लिए लोग लेकर के आए आपकी वेबसाइट पर जो उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना बहुत आसान है, उस पर वीडियो आने वाली है कि कैसे आप शॉपिफाई पर स्टोर सेटअप करोगे, कैसे वेबसाइट बनाओगे, कैसे प्रोडक्ट रखोगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को देखो, और वैसे वीडियो खत्म ही हो गई है, वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, है ना। तो अभी तक इस वीडियो में हमने कवर कर लिया शॉपिफाई क्या है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कैसे काम करता है ये भी पता चल गया होगा। और अगर कोई अभी दिक्कत आ रही है, कुछ है दिमाग में, कुछ है मन में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भाई ये चीज़ बता दो, ये चीज़ मिस हो गई, तो मैं उसको भी आपको कवर कर दूंगा कि भाई ये चीज़ क्या है ना। और शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाना है उस पर भी वीडियो आने वाली है, ये आ चुकी होगी, आप चेक कर सकते हो चैनल को। और बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। ये धन्यवाद अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना, है ना। तो धन्यवाद।